अस्सलाम वालेकुम मौजिज़ नाज़रीन, न्यूज़ टाइम हैदराबाद में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं अहम खबर की जानिब। कोटी वुमेन्स कॉलेज की तालिबात ने आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्र भारत वज्रोत्सवाला के हिस्से के तौर पर फ्रीडम रन का इनेकाद किया। वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। ईस्ट जोन DCP जी चक्रवर्ती, सुल्तान बाजार ACP देवेंद्र, सुल्तान बाजार पुलिस ने भरपूर हिस्सा लिया। कॉलेज के तुलबा ने कौमी परचम के साथ एक बड़ी रैली निकाली। ये रैली 2 किलोमीटर तक तवील थी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जात पात, मजहब, इलाका और सियासत से बिलातर होकर हर शहरी को हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती को जन्म देना चाहिए। हमारे मरकज और रियासत ने दिया है। उन्होंने कहा कि हिदायत के मुताबिक अमल किया जाए। पेश है न्यूज़ टाइम हैदराबाद से ये खसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇండిపెండెన్స్లో భాగంగా స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాలు వేడుకలు మనం జరుపుకుంటున్నాము. ఈరోజు సుల్తాన్ బజార్ ఏరియాలో పిఎస్ పరిధిలో కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్ నుంచి కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ సెంట్ పౌల్స్ హైటెక్ స్టూడెంట్స్ కూడా దీంట్లో ఫ్రీడమ్ రన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఈ వజ్రోత్సవాల్లో 15 రోజులు మనము ఇది నిర్వహించుకుంటున్నాము. ఈ వేడుకలు దీంట్లో 8 తారీఖు నుండి మొదలయ్యి 22 తారీఖు వరకు ప్రతిరోజు ఒక కార్యక్రమం దీంట్లో జరుగుతుంది. అయితే దీంట్లో స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మహాత్మా గాంధీజీ సినిమా ప్రదర్శన చూపించడం జరిగింది. దీంట్లో వేలాది స్టూడెంట్స్ దీన్ని మూవీని చూశారు. తర్వాత వనమహోత్సవంలో భాగంగా ఎన్నో మొక్కలు నాటడం జరిగింది, పార్క్స్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఫ్రీడమ్ రన్లో భాగంగా 2 కిలోమీటర్స్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ నుంచి విక్టోరియా ప్లేగ్రౌండ్ వరకు మేము ఫుట్ ర్యాలీ టు ఫ్రీడమ్ రన్ చేయడం జరిగింది. సో అందరూ కూడా ఈ వజ్రోత్సవాలు స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాలు ఘనంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. 15 అగస్ట్ కా ప్రోగ్రామ్ బడి ధూమ్ ధూమ్ సే మనాయా జా రహా హై క్యోంకి హమే ఆజాదీ మిల్నే కే 75 సాల్ హో చుకే హై. ఖాస్ తౌర్ సే హమారే స్టూడెంట్ మే అవేర్నెస్ బిల్డ్ అప్ కర్నా హై. ఉస్కే లియే हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव तरीके से कई प्रोग्राम कर रहा है. ख़ास तौर से रन जो प्रोग्राम मतलब बच्चों के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग में एक प्रोग्राम किया गया. अभी वुमेंस कॉलेज आए यहाँ के स्टूडेंट, जितने गर्ल्स स्टूडेंट और हमारे बाज़ाबता पुलिस ऑफिसर भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं. क्योंकि 75 साल का जो हमारा आज़ादी का दिन है वो बड़ा हमारे लिए बड़ी अहमियत का हाल है. हिंदुस्तान आज़ाद होकर 75 साल हो चुके हैं. उसके लिए हमारे ऑनरेबल CM साहब ने 15 दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है. वो कंटिन्यू प्रोग्राम किया जा रहा है और आज खास तौर से वुमेंस कॉलेज में कई लड़कियों ने इस प्रोग्राम में शामिल हुआ है. और उसके साथ साथ हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे DCP साहब, सुल्तान बाजार ACP साहब और चादरघाट इंस्पेक्टर साहब और सारे पुलिस ऑफिसर भी बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स में अवेयरनेस प्रोग्राम ला रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं हमारे देश का फ्यूचर होता है. इसीलिए तमाम स्टूडेंट्स में इस आज़ादी की जो तहरीक किस तरह चली, कौन कौन लोगों ने इसके लिए अपनी शहादत हासिल की और इस आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है. हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब और हमारे ख़ास तौर से महात्मा गांधी साहब और हमारे सरदार पटेल साहब, कई हमारे जो लीडर्स थे जिन्होंने मुसलसिल आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया और हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया. और इस आज़ादी के बाद हम काफ़ी तरक्की करें और आगे भी हम तरक्की का बेड़ा उठाते हैं. तो उस तरक्की के लिए लोगों में बिल्टअप अवेयरनेस बिल्टअप करने के लिए और ख़ास तौर से इस मरतबा क्योंकि ये डायमंड जुबली की तरह मनाया जा रहा है, घर घर जो है तिरंगा लहराना है. उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तमाम पोस्ट ऑफिसों के ज़रिए तिरंगे फराहम कर रही है. और ख़ास तौर से हमारी स्टेट गवर्नमेंट में हमारे ऑनरेबल CM साहब ने GHMC के तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से हर घर घर लोगों को झंडा फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि अपने घरों पर झंडा लहराएं और हमारे बच्चों में अवेयरनेस बिल्ड कर रही है, बिल्डअप के लिए. इसके लिए मैं ख़ासतौर से हमारे पुलिस ऑफिसर, इस कॉलेज के प्रिंसिपल और लेक्चरर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ. इंशाल्लाह 15 अगस्त को हम बड़ी धूमधाम से यूँ में आज़ादी का दिन मनाएंगे. थैंक यू.